Hello, good morning students. Today we start our first topic, rational number for class 8th. Rational number, जैसा कि आपको name से ही पता चल रहा है कि rational ratio, ratio से ये word लिया गया rational number. अगर हम कोई भी दो numerals दिए होंगे, कोई भी दो integer हम लें, जैसे कि हमने लिए p और q, हमारे पास क्या है, two integers हैं, तो हम p और q को इस तरीके से p upon q की form में अगर show कर सकें, where q is not equal to zero. मतलब डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए. इस फॉर्म में अगर हम किसी भी नंबर को शो कर सके तो हम क्या कहेंगे, दिस इज इन अ रैशनल नंबर. ओके, रैशनल नंबर में भी जब दिए होते हैं तो आपको उसमें भी नंबर्स को हम सारे ऑपरेंड्स का यूज करते हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिविजन. देर इज सम रूल्स ऑल्सो, देर इज सम प्रॉपर्टीज. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन फॉर रैशनल नंबर्स. ठीक है, हम एडिशन करते समय रैशनल नंबर में क्या क्या प्रॉपर्टीज यूज करते हैं वो हम आज आप डिस्कस करेंगे. जी, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी होती है प्रॉपर्टीज. फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है फॉर एडिशन ऑफ रैशनल नंबर? क्लोजर प्रॉपर्टी. क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? व्हाट इज क्लोजर प्रॉपर्टी? व्हेन वी एड टू रैशनल नंबर देन इट गिव्स अ रैशनल नंबर अगेन. मतलब जब हम लोग कोई भी दो रैशनल नंबर्स को ऐड करते हैं तो उसका आंसर भी एक रैशनल नंबर ही आता है. जैसे कि a अपॉन b प्लस b अपॉन c, ये तो कोई भी दो रैशनल नंबर हमने लिए, इसको हम ऐड करेंगे तो आंसर भी डेफिनेटली अ रैशनल नंबर ही आएगा. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी. ओके, नेक्स्ट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. सेकेंड प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव. Associative. What is associative property? When we add two or more rational number, then we group into in any order. Okay? जैसे कि हमने कोई भी दो या दो से ज्यादा रैशनल नंबर ले लिए तो हम उनको किसी भी ग्रुप में करके एड कर सकते हैं. जैसे कि a upon b plus b upon c plus c upon d, ये कोई भी रैशनल नंबर हमने लिया, हम इसको इस ग्रुप में भी एड कर सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, a अपॉन b प्लस b अपॉन c प्लस c अपॉन d, हम इसको इस ग्रुप में भी करके ऐड कर सकते हैं. बोथ गिव द सेम रिजल्ट्स. ओके, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. नाउ नेक्स्ट इज क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी. थर्ड प्रॉपर्टी इज क्यूमुलेटिव. क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? वी एड रैशनल नंबर कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर. जैसे कि a अपॉन b प्लस b अपॉन c करें, हम किसी भी दो रैशनल नंबर को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं, a अपॉन b प्लस b अपॉन c भी कर सकते हैं, या फिर b अपॉन c प्लस a अपॉन b भी कर सकते हैं. बोथ गिव द सेम रिजल्ट. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी. नाउ नेक्स्ट इज एडिटिव आइडेंटिटी. थर्ड प्रॉपर्टी इज एडिटिव आइडेंटिटी. व्हाट इज एडिटिव आइडेंटिटी? जीरो, नंबर जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स बिकॉज इट गिव्स द सेम आंसर. मतलब अगर हम किसी भी रैशनल नंबर में अगर हम जीरो को ऐड करें द आंसर विल बी नंबर इटसेल्फ. देयरफॉर जीरो इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ रैशनल नंबर. ठीक है, नेक्स्ट इज एडिटिव इनवर्स. फिफ्थ प्रॉपर्टी इज, आवर फिफ्थ प्रॉपर्टी इज एडिटिव इनवर्स. फॉर एनी रैशनल नंबर, किसी भी रैशनल नंबर को हम उसके इनवर्स के साथ ऐड कर दें, दिस गिव्स द आंसर जीरो. दैट मींस अगर a अपॉन b हम कर लें, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, इसको हम इसी के इनवर्स से अगर ऐड करें तो आंसर क्या आएगा, जीरो. देन देयरफॉर माइनस a अपॉन b इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ a अपॉन b.
कोई a upon b इंटीजर है उसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, माइनस का a upon b, बिकॉज दे बोथ गिव द आंसर जीरो. ठीक है, माइनस a upon b इज द एडिटिव इनवर्स. एडिटिव इनवर्स, ठीक है. ये फाइव प्रॉपर्टीज होती हैं हमारे एडिशन की. रैशनल नंबर को हम ऐड करते हैं तो उनमें ये फाइव प्रॉपर्टीज लगाकर ही एडिशन होता है. ठीक है, आज के लिए इतना ही. कोई भी क्वेरीज हो वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे. आप हमको व्हाट्सएप पे वीडियो कुछ अपनी क्वेरी आप बता सकते हो. ठीक है, थैंक यू.